Guess, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर टू दी थी और एक्सरसाइज नंबर टू के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक गेम बनाना है हम लोग चलेंगे इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद कुछ लोगों को शाउट आउट और प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे Let's get started. सो so, सोवेज़ मैंने आप लोगों को इस कोर्स के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जो कि शायद आप लोगों ने दूसरे कोर्सेज में नहीं देखी होंगी एक्चुअल मैं आप लोगों को गिफ्ट्स वगैरह में दूंगा और मैं इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ गिफ्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग सॉल्व कर लें एक्सरसाइज टू को ठीक है तो जो जो एक्सरसाइज टू वाली रैपल थी अगर मैं अपना रैपलेट अकाउंट खोलूँ और अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कोर्स वाला फोल्डर खोलूं और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर टू वाली रैपल खोलूं तो एक्सरसाइज नंबर टू ये कह रही थी हमसे कि स्नेक वाटर गन वाला गेम बनाना है जावास्क्रिप्ट में द गेम शुड आस्क यू टू एंटर एस डब्ल्यू और जी ठीक है स्नेक वाटर या गन टाइप करेगा यूजर और कंप्यूटर शुड बी एबल टू रेंडमली जनरेट ये आ डर विन अ लॉस यूजिंग एलॉट ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ पर ठीक है तो मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज़ करी है अपनी रैपल के अंदर मैंने यूज़ करी है टेम्पलेट एच डी एम्बल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट की शायद मुझे नॉर्मल वाली करनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं मैं यहाँ पर कंसोल में कर लूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा लेट यूज़र इज़ इक्वल टू प्रॉब्ड यानी कि यूज़र एंटर एस डब्ल्यू और जी ठीक है स्टिंक वाटर या गन में से यूज़र को जो है कुछ एंटर करना है सबसे पहले तो ठीक है उसके बाद देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुन लो पहले प्राइस में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भी ठीक है पहले सीख लो ठीक है पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर यूजर इज इक्वल टू तो प्रॉब्लम डी ए यहाँ पर लिख दिया अब मेरे पास एक वाटर या गन आ गया अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट सी पी यू इज इक्वल टू मैट डॉट रैंडम ठीक है और मैथ डॉट रैंडम क्या करता है मैंने आप लोग को पहले बताया था एक जीरो और वन के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करता है लेकिन मैं चाहता हूँ रैंडम नंबर को जनरेट करना तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा मैथ डॉट रैंडम मैंने लिखा मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा टू लिखूंगा ठीक है तो मैं यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय टू करूंगा सी पी यू इज टू ये करूंगा और ये जैसे ही मैं करूंगा आप लोग यहाँ पर देखना कि जो सी पी यू वैल्यू है उसके अंदर आएगा या तो ज़ीरो या वन या फिर टू ठीक है मान लो मैंने यहाँ पर एस कर दिया मैं यहाँ पर बस आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँगा ये कह रहा है सी पी यू हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड ओके कोई बात नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी जावा स्क्रिप्ट में सी पी यू डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पर देखो अगर मैं कुछ ऐसे करूँगा तो यहाँ पर जीरो और वन के बीच में आ रहा है अभी ज़ीरो और टू के बीच में आ रहा है ठीक है तो मैं सिंपली क्या करूँगा इसमें मैट डॉट फ्लोर कर दूंगा ठीक है तो अगर मैं कुछ इस तरह का, का काम करूं बेसिकली मैं पता है क्या कर रहा हूं ज़ीरो वन और टू के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ज़ीरो आ गया ये वन आ गया ठीक है तो मुझे यहां पर थ्री करना पड़ेगा तभी मेरे पास ज़ीरो वन या टू आएगा तो ज़ीरो वन और टू यहाँ पर जो है जनरेट होगा ठीक है ज़ीरो वन और टू रैंडमली जनरेट होगा जीरो फॉर स्नैक वन फॉर वाटर और आ, टू फॉर गन ठीक है तो मैं यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देता हूँ अपने लॉजिक से इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैथ डॉट फ्लो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय थ्री ठीक है अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ लेट सी पी यू इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिखूँगा ज़ीरो जिसका होगा या फिर एक काम करता हूँ ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखता हूँ मैं एरे लिखता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर लिखूँगा और आप समझना मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है और इसके बाद मैं लिखूँगा गन ठीक है और सी पी यू आई कर देता हूँ उसको सी पी यू इनपुट सी पी यू इज इक्वल टू ये कर दिया मैंने और मैं यहाँ पर कर दूँगा क्या सी पी यू आई ठीक है जो कि एक इंटीजर है अब आप लोगों में से कई लोग सोचोगे ये चल क्या रहा है ठीक है और यहाँ पर रैपलेट हमको एरर दिखा रहा है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट समझ रहा है इसको आई डोंट नो वाई बट अगैन ठीक है हम लोग इसको लिखते रहेंगे अपने कोड को और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास सी पी यू की वैल्यू आ गई यूज़र की वैल्यू आ गई हमारे पास नहीं एक वाटर गन के टर्म्स में ठीक है अब हम क्या करेंगे मैच करा देंगे किस किस का सी पी यू और यूज़र का एक फंक्शन है मैच जो कि मैच कराएगा सी पी ओ और यूज़र के बीच में तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट मैच इज इक्वल टू एक फंक्शन और ये फंक्शन क्या करेगा सिंपली दो वैल्यूज लेगा सी पी यू और यूज़र ठीक है अब मैं यहाँ पर सिंपली पता है क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ सी पी यू इक्वल्स टू इक्वल्स टू यूज़र एंड मतलब अगर इक्वल है तो तो यार रिटर्न ज़ीरो ठीक है ज़ीरो फॉर uh, कोई नहीं जीता ठीक है और एल्स इफ सी पी यू है हमारा मान लो स्नैक और एंड uh, और हमारा यूजर है वाटर ठीक है तो क्या होगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा तब तब हमारा यहाँ पर सी पी यू स्नैक है स्नैक पानी को पी जाएगा सी पी यू जीतेगा ठीक है हम रिटर्न कर देंगे सी पी यू ठीक है यानी कि आ, जो भी जीता या फिर एक काम करते हैं हम रिटर्न करेंगे सी पी यू एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं ठीक है और इसके बाद मैं सेम लॉजिक लिखूंगा एग्जैक्टली और हम यहाँ पे क्या करेंगे स्नेक वाटर हो गया अब मान लो गन वाटर होता तब कौन जीतता तब जीतता यूज़र ठीक है और अब देखो सी पी यू स्नक हो सकता है यूज़र वाटर हो सकता है सी पी यू स्नैक हो सकता है और यूज़र गन हो सकता है तो वो वाला केस भी मुझे यहाँ पर लेना होगा यूज़र गन हो सकता है और अगर इस बार यूज़र गन हुआ तो यूज़र जीतेगा भाई ठीक है यूज़र जीतेगा भाई अब सी पी यू के स्नेक होने की पॉसिबिलिटीज़ हमने ले ली दोनों सी पी यू के गन होने की पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं दोनों ठीक है अब देखो अगर सी गन है तो यूज़र या तो वाटर हो सकता है या स्नैक हो सकता है अगर स्नक हुआ तो सी जीतेगा क्यों जीतेगा सी जी पी गन से उड़ा देगा यार स्नैक को ठीक है तो ये हमने कर लिया यहाँ पर तो सी पी या तो स्नैक हो सकता है या गन हो सकता है या वाटर हो सकता है ठीक है अब अगर सी पी वाटर होगा तो दो बातें होंगी ठीक है क्या होगा सी पी वाटर होगा तो दो बातें होंगी या तो स्नैक हो सकता है यूज़र या गन हो सकता है यूज़र अगर गन है तो तो यूज़ल जीतेगा ठीक है और अगर स्नेक है तो कौन जीतेगा तो भी यूज़ल जीतेगा ठीक है तो यूज़र तीन बार जीत रहा है आ, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है यार यहाँ पर देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ करी है देखो सी पी वाटर है स्नेक यूज़र गन है तो यूज़र हारेगा सी पी जीतेगा ठीक है हाँ ठीक है और ये करने के बाद हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे द विनर इज़ और यहां पर हम रिटर्न नो बडी ये रिटर्न करते हैं ठीक है विनर इज और प्लस रिजल्ट कर दूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस काम करता हूँ इसको मैं रिलोड करूंगा दोबारा से और मान लो मैं स्नेक हूं और यहां पर एक काम करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग ना करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ हालांकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें यूज नहीं करना चाहिए बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज आई डू इट ठीक है स्नेक विनर इज सी ठीक है अब एक चीज़ और करूँगा मैं यहाँ पर कि एक चीज़ रिवील करूँगा कि सी क्या था और यूज़र क्या था ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं काम करूँगा टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है मैं यहाँ पर डॉलर लगा कर क्या करूँगा रिजल्ट लिखूँगा ठीक है और सी क्या था और एंड यूज़र क्या था और उसके बाद एक बैक स्लेशन लगा कर ये लिखता हूँ ठीक है तो सी पी की वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर और यूज़र की वैल्यू लिख दूँगा यहाँ पर और यहाँ पर यूज़र की वैल्यू लिख दूँगा ठीक है सी पी यू यूज़र दैट एंड सी वॉट हैपन्स मान लो मैं स्नैक था चलो ठीक है सी पी यू एस यूजर स्नै नो बड़ी मैच इस टाइट बढ़िया ठीक है वाटर लेता हूँ मैंने वाटर किया अरे ये तो ये तो मेरी चीटिंग कर रहा है मान लो मैंने गन ली अरे ये कैसा मजाक है मान लो मैंने एस लिया विदर एज सी पी यू ठीक है गन यूज़र मैंने कोई लॉजिक में तो गलती नहीं करी है ना मेरे को कॉपी क्यों कर रहा है अभी सी पी यू जो मैं ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा है आ, नहीं मैंने गलती नहीं करी यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का वैलिडेशन आ रहा है वी शुड बी फाइन आप लोग कोड लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ठीक है बढ़िया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हेलोवर्ट को हटाएंगे क्योंकि हेलोवर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर लिखा हुआ और थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग करूँगा बॉडी में बॉडी में थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे दोस्तों क्या करेंगे फॉन साइज बढ़ाएंगे दोस्तों क्या yeah, कितना कर देंगे फोन साइज ट्वेंटी फाइव आई डोंट नो इफ इट्स टू मच बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस स्नक हाँ बढ़िया है सी पी यू डब्ल्यू यूजर द विनर इज़ मैं एक काम करूँगा यार थोड़ी सी देखो यार खूबसूरती थोड़ी हद तक तो मुझे चाहिए यार ठीक है मतलब अपने प्रोग्राम में यार शक्ल में है ठीक है एंड यूज़र इज़ करने की जरूरत नहीं मैं यहाँ पर बैक स्लेशन दे रहा हूँ ऑलरेडी द विनर इज This should be good to go. Let me reload gun. अरे ये क्या हुआ बैक्सलेशन क्यों नहीं आया यहाँ पर मैंने एक वैक्सलेशन लगाया तो वो आया क्यों नहीं आना चाहिए था यार स्नेक ओके वैक्सलेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बी आर देना होगा यार ये एच टी एम एल है बबुआ समझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो एच टी एम एल है ये बैक्सलेशन से थोड़ी ना हो जाएगा कोई कुछ ठीक है आप सही है विनर इस सीपीयू सी अब यार ये सी मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है मैं टू अपर केस करूँगा ठीक है और इसको अभी डिलोड करता हूँ और यार बोर मत हो रहा नोबडी नो बडी मैच टाइड ठीक है एक काम करता हूँ नो बडी कर देता हूँ ऐसे अच्छा नहीं लगा मुझे गन अरे यार सी बाबू तुम जो है मैं गनी रखूँगा अपने आप को अरे सी भी गनी रख रहा है मैं फिर से गन रखूँगा अपने आप को चलो ठीक है सी ने इस बार वाटर किया अपने आप को विनर इज सी जीत नहीं पाया मैं कोई बात नहीं ठीक है तो ये था हमारा प्रोग्राम ठीक है मैं टाइटल भी चेंज करूँगा टाइटल को मैं करूँगा स्नैक वाटर गन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है, है स्नैक कर दिया मैंने नो बड़ी मैं स्नेक की बना रहूँगा ये स्नेक है ना इस बार मैं गन लेकर इसको उड़ाऊँगा हाँ देखा मुझे बता था ये स्नेक पे बना रहेगा यार ये स्नेक पे क्यों डटा हुआ है भाई ये ले गन अरे यार वाटर ले लिया इसने चालू निकला सी ठीक है तो इस तरह से खेलें इस गेम को पूरे पूरे दिन बैठ के ठीक है स्कूल की छुट्टी करें और इसको खेलें बैठ के पूरे दिन ठीक है कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की छुट्टी करें काम पे जाते हैं तो काम की छुट्टी करें ठीक है मज़ाक कर रहा हूँ कर मत लेना कहीं अब यहाँ पर देखो आप लोग प्ले लिस्ट यहाँ पर मैंने सारी अपडेट कर दी है बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रही थी कि यार वो वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं पूरे प्ले लिस्ट के तो यार मुझे नहीं मालूम कि वो प्ले लिस्ट के वीडियोज़ क्यों नहीं देख पा रहे हैं यार अब मेन चीज़ जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हो वो तो कर ही देते हैं ना नहीं तो आप लोग भी कहोगे कि यार जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो किया ही नहीं क्या नहीं किया एक्सरसाइज टू और कहाँ है हमारा इनाम सब लोग सोच रहे होंगे तो यार इनाम मैं बताता हूँ कहाँ पर है सबसे पहले एक इनाम तो मैं ऐसे के ऐसे ही देना चाहता हूँ ठीक है बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे वो है अमेजोन का गिफ्ट वाउचर जो कि मैं डालूंगा स्क्रप डॉट जे एस के कॉमेंट्स में तो आप जाओ रेपलेट में स्क्रप डॉट जे एस के कॉमेंट में और इसको रिडीम जो पहले कर ले भाई ठीक है मैंने डाल दिया है वाउचर अपना अब एक तो ये हो गया ये तो मैंने फ्रंट दे दिया आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर है मैं लिख भी देता हूँ रुपीज़ फाइव हंड्रेड गिफ्ट वाउचर ठीक है इसको जो पहले रिडीम कर ले ठीक है इसके बाद जो आ, बाकी के मैंने और पांच एक दो तीन चार पांच वाउचर्स लेके रखे हुए हैं उन वाउचर्स को मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक करके पिंट कमेंट में डालता रहूँगा ठीक है और आप लोग जो है आ, प्रिंट कमेंट में से लेते रहना और मैं टाइम टू टाइम डालूंगा जैसे कि एक मैंने आज डाल दिया एक मैंने मान लो दो दिन बाद डाल दिया एक मैंने तीन दिन बाद डाल दिया हो सकता है मैंने दो घंटे में ही डाल दिया तो मैं धीरे धीरे डालूंगा ताकि अलग अलग लोगों को मिल पाए ठीक है लेकिन अगर आप ठीक है टैलेंटेड हैं तो हो सकता है एक को ही मिल जाए ठीक है आई डोंट नो मैं डालता रहूँगा अपडेट करता रहूँगा रिडीम करते रहना आप लोग ठीक है तो पाँच वाउचर्स हैं कुल मैं पाँचों अपडेट करता रहूँगा एक एक करके डालता रहूँगा ठीक है वीडियो पब्लिश होते ही एक आपको मिलेगा वाउचर ठीक है पिट कमेंट में ये तो एक चीज़ हो गई लेकिन मैं शाउटआउट देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस रैपल के कवर पेज पर कमेंट करके अपनी रैपल दी ठीक है और यार बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी थी पिछले वीडियो में कि यार ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या चक्कर है यार ऐसे तो यार हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं मतलब एक बार तीन चार रैपल आ गई अगर तो उसके बाद तो फिर तो यार देखो वाउचर के लिए मत करो यार वाउचर के लिए क्यों कर रहे हो वाउचर मैं अपनी तरफ से कितनी दे दूँगा वाउचर बीस पच्चीस भी दे दूँगा तो भी क्या ही है यार मतलब एट दी एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग आपके लिए होने वाला है वो तो आपकी स्किल्स होने वाली है ना आप अपनी स्किल्स बनाओ उससे उससे बड़ी क्या चीज़ है उससे बड़ा कुछ नहीं यार वाउचर वाउचर सब मुंह आया है बट स्टिल मैं दे रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखो आ, बहुत सारी रैपल्स हैं ठीक है थीके? और आ, बहुत सारी रैपल्स हैं ठीक है थीके? वेरी नाइस यार बहुत बढ़िया और मुझे पता है कि सबने जो रेपल डाली है यहाँ पर वो वाउचर के लिए नहीं डाली आई नो दैट ठीक है आपने अपनी मेहनत करने के लिए डाली हैं आपने इसलिए डाली हैं कि यार आप सीखोगे ठीक है बढ़िया मेहनत करते रहो ऐसे ही आप काफ़ी स्क्रॉल कर लिया मैंने नीचे और बट मैं यहाँ पर जो है पेज डाउन की दबाता हूँ और मैं यार शुरुआती सबसे पहले जिसने किया है यार वहाँ से कुछ लोगों को शाउट आउट तो दूंगा यार ठीक है अब यहाँ पर देखो ये कुछ रैपल्स जो हैं डाली हुई हैं लोगों ने मैं शुरू की चार रैपल खोल के भी देखूंगा ठीक है और इस रैपल को रन करके भी देखूँगा ठीक है जितनी मेरी लोड हो रही हैं मैं यहाँ पर शाउट आउट दे देता हूँ ड्रीम ज़ीरो कोडर को हिम किशन दास को जैन मिर्जा को अमन कुमार सिन्हा को गुंजन नायक शाहिर अली सी एच लक्ष्य राजदास सत्य सत्यन्द्र कुमार अदिति चिराग भिस भिसिकार आई हो पाए प्रोनाउंस द नेम राइट उमर सेन अब्दुलसमी सुष्मिता दे आ, और सैन विश्वास ईट ठीक है और मैनी एप्पल बिलो एंड यू पब्लिश योर वीडियो बट रिटन एनी कोड दे आर है अरे ठीक है यार मतलब क्या यार मतलब मैं मैं बोलता तो रहा हूँ uh, मैं इस बार जो जितने भी कूपन से एक एक करके पिन करूँगा एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसने भी रिडीम किया ना वाउचर एक कमेंट जरूर मार देना कि मैंने रिडीम किया बाउचर और मुझे मिल गए हैं कितने का वाउचर है हंड्रेड से लेके फाइव हंड्रेड तक का वाउचर है एक शायद मैंने टू हंड्रेड का बनाया था एक टू फिफ्टी का बनाया था एक हंड्रेड का बनाया था और एक वन फिफ्टी का बनाया था आई डोंट नो हंड्रेड से फाइव हंड्रेड के बीच में रैंडम वाउचर्स हैं तो जस्ट यार एक मोटिवेशन की बात है यार कोई ऐसा वो थोड़ी आ, ना है नाई को इतना बड़ा मैं रिवॉर्ड दे रहा हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर स्नेक चुना योर चॉइस स्नेक कंप्यूटर चॉइस डब्ल्यू कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन ओके 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 यू वॉन राइट ग्रेट ठीक है आ, तो यहाँ पर जो है ये रेपल भी बहुत बढ़िया है ड्रीम जीरो कोडर Uh, अब इसके बाद ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है यार uh, काफ़ी बढ़िया लग रही है ये वाली मुझे ओपन वेबसाइट करता हूँ हाउ मेनी राउंड टू प्ले भाई एक ही काफ़ी है ठीक है ड्रॉ कंप्यूटर इज ऑल्सो चूज इन स्नैक चूज एन सी एच ओ एस सी एन चूज एन नहीं ठीक है खैर कोई बात नहीं यार अंग्रेज़ी मेरी भी कुछ खास नहीं थी रन कर रहा हूँ सर आप जैन मिर्जा की स्नैक uh, स्नैक ओके यू वॉन पॉइंट यार ये बढ़िया है देखो ये इस तरह से बनाना था मेरे को भी तो यार जैन मिर्जा बहुत बढ़िया यार जैन मिर्जा बहुत बढ़िया और जैन मिर्जा ने जो है बढ़िया काम किया यार आई एम हैप्पी ठीक है जैन इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो हाई फाइव मैन हाई फाइव ठीक है तो बढ़िया बढ़िया बनाया जैन ने यार ठीक है अमन कुमार सिन्हा का देखते हैं कैसा है रन किया मैंने और एंट्रेस ने यार इतना परेशान क्यों कर रहे हो यूजर को पूरा पूरा क्यों टाइप करवा रहे हो यू लूज़ वाटर वाटर मैं वाटर पे डेटा डिट रहूँगा अरे हार गया मैं कंप्यूटर ने दो बना दिए कोई बात नहीं अमन गवार से ना कोई दिक्कत नहीं है यार आपका गेम था हम हार गए कोई बात नहीं ठीक है तो यार अगर आपने प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक जावास्कृत की तो कर लेना वाउचर की जहाँ तक बात रही मैंने आप लोग को बताया कि मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ बात रही कोट्सवेयर के कुछ कूपन्स दे देता हूँ आप लोग को आ, ताकि आप लोग ये टी शर्ट्स वगैरह ख़रीद पाओ ठीक है पर के कुछ कूपन्स आप लोग को दूंगा और उन कूपन में कितना डिस्काउंट है आ, ये आप लोग जो है देख लेना ठीक है डिस्काउंट चेंज होता रहेगा ठीक है आ, तो मैं आप लोग को दे देता हूँ कुछ कूपन्स तो एक कूपन जो कि आप लोग लगा सकते हो आ, कुछ डिटेल्स फ़िल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आप एक बार डिटेल्स फिल करना सारी ठीक है और डिटेल्स जैसे आप फिल करोगे यहाँ पर आप लोग लगाओगे तो देखो ये टू सेवेंटी फ़ोर की होगी टी शर्ट विच इज़ ग्रेट ठीक है एक फ्री टी शर्ट है मेरे पास कूपन और एक है सी डब्ल्यू एच स्टूडेंट ठीक है तो आप देख लेना इसमें से कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है जितना जितने में मैक्सिमम मिल रहा है दोनों में से आप वो ले लेना ले एक सी डब्लू स्टूडेंट है कूपन और एक है फ्री टी शर्ट ठीक है उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप देख लेना यार जिसमें भी आपको बढ़िया डील मिल रही है आप ले लेना मग्स वगैरह भी आप ले सकते हो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो आई होप कि यार आप लोग को मज़ा आ रहा है ठीक है और अगर आपने प्ले एक्सेस नहीं करी है तो प्ले लिस्ट आपको ज़रूर एक्सेस करना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू Next time.